नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूपी का रामपुर क्राइम में एक नए क्राइम ट्रेड सेटर सिटी के रूप में उभरता जा रहा है, जहां आए दिन महिलाओं के साथ क्रूरता और दरिंदगी के मामले देखने को सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों महिलाओं के साथ हुई वारदातों के बाद दरिंदगी का एक नया चेहरा सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक बहू अपनी सास की कातिल बन गई। मामला रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के सेंडू के मजरा गांव का है, जहां एक बहू ही अपनी सास की कातिल बन गई और सास की हत्या के बाद हत्या को हादसे का रूप दे दिया। मृतक शेरबानो के बेटे जुबेर ने मां के दफन के बाद अपनी पत्नी सहाना भी से जब पूछताछ की तो सहाना ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी सास शेरबानो ने उसे और इमाम मोहम्मद अली को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर शेरबानो के सर पर कपड़ा डालकर सर को ईंट से कुचला, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर दोनों ने मिलकर उसके शव को ले जाकर दूसरी जगह फेंक दिया। जिसके बाद सहाना के पति जुबेर ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर सूचित किया, साथ ही उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। मामला 26 दिसंबर की रात का है, जिसके बाद बेटे जुबेर जो देहरादून में काम करता है को माँ शेरबानो की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद उसने घर आकर 27 दिसंबर को माँ को दफन किया। इस सबसे निपटने के बाद उसने अपनी पत्नी से पूछताछ की तो उसकी पत्नी ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। मेरा हाथ रखा ऐसे और फिर उन्होंने कहीं से जला दिया। किसने कहा आपसे? आप जी। क्या नाम है? मस्जिद में नाम। हाँ जी। फिर भी सास मेरी बोल रही थी मुझसे उल्टा सीधा, तो मैंने उन्हें फोन करके कहा तुमने गलत काम किया, अब मैं तुम्हारी इमामत छुड़वा दूंगा। कहते अपने आदमी से तो बोले ना मैं अब ऐसा करूँ तुम्हारे सास की मार मुझसे कहते। फिर वो रात में आए आगे बोलो। वो सो रही थी तो उनका मुंह दबा कर उनका मजरा, इसमें एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है 2 दिवस पहले। इसमें जिन्होंने सूचना दी है वो मृतका के बेटे हैं और अभी उन्होंने कोई तहरीर पुख्ता रूप से अभी दी नहीं है, परंतु पुलिस ने मौके पर आकर सारे साक्ष्य एकत्रित करना शुरू कर दिए हैं और इसमें जैसे ही इसमें हमें तहरीर मिलती है हम इसमें आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। बॉडी अभी दफनाई हुई है, उसके लिए हम मजिस्ट्रेट की जांच और उनकी आख्या के अनुसार ही उसको हम वहां से निकलवाएंगे। मामला क्या लग रहा है सर? मामला अभी इसमें कोई भी चीज़ बताना ठीक नहीं है विवेचना के लिए आने वाले समय में, लेकिन जैसे ही इसमें विवेचना शुरू होगी इसमें बहुत ही जल्दी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सर इसमें मुराना का क्या रोल है? इसमें अभी उन्होंने जो इनके बेटे हैं इन्होंने शक जताया है 2 लोगों पे, अपनी पत्नी पे भी और यहाँ के एक मौलाना है उन पर। पत्नी तो बयान दे रही थी कि वो मौलाना ने मिलकर